उठो बेटा, 3 बजने वाले हैं। हिंदी ट्यूशन के लिए सर आते ही होंगे। फिर 4:30 से 6:30 क्लासेस भी तो है ना। और हाँ, 7 बजे भरतनाट्यम क्लासेस है, उनकी फीस लेते जाना। तो 8:15 को स्विमिंग पूल पे आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। अभी उठो। मम्मी 5 मिनट्स। ट्यूशन, क्लासेस, डांसिंग, स्विमिंग, इन सब के बिना ज़िंदगी अधूरी है। क्या बच्चों को सब आना इतना ज़रूरी है? माँ का कंपटीशन सहेलियों के साथ रहकर, बेटा होना चाहिए तू दूसरों से बेहतर। ज़िंदगी एक रेस, बनना है तुझे एस। अगर हम सब अलग है तो एक जैसा सोचने का क्यों ये कायदा? दूसरे से बेहतर होने में खुद को मिटाने का क्या है फ़ायदा? बच्चों की हर फरमाइश पूरी करने से आप अच्छे पिता नहीं बनते। ब्रांडेड कपड़े और लेटेस्ट गैजेट देने से आपके बच्चे मॉडर्न नहीं बनते। क्या फ़ायदा अगर आपके बच्चे के हाथ में लेटेस्ट गैजेट हो और सोच में हवस हो? इंसान मॉडर्न अपनी सोच से बनता है, उस सोच से उनकी पहचान कराओ। पहले उन्हें एक अच्छा इंसान बनाओ। सरकार बताए भारत साक्षरिया का सपना आंखों में, पता नहीं फिर क्यों है फीस लाखों में। SSC, ICSE, CBSE कौन से बोर्ड में पढ़ा है ये एक बाधा। स्कूल बैग का वजन बच्चों से ज़्यादा, पढ़ाई के बोझ से सारे बच्चे त्रस्त है। आज के तारीख में औलाद बाप से ज़्यादा व्यस्त है। एग्ज़ाम के रिजल्ट से बच्चों का मोल तय नहीं होता। मार्क्स कम आने से इंसान ज़िंदगी में फेल नहीं होता।